नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षु चंद्रा फ्रॉम मॉडर्न पॉलीटेक्निक बनारस। आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पंप, मोनो पंप या इसे स्क्रू पंप भी कहते हैं, लेके आया हूँ। ठीक है, ये एक मोनो पंप या स्क्रू पंप का यूज हमें वहाँ पर करना होता है जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी जो विस्कस वाले फ्लूइड्स होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, उनको ट्रांसपोर्ट करना हो, या ऐसी लिक्विड जो ग्रिटी हो, ग्रिटी लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में और हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी हमारे लिक्विड्स, हमें बहुत हैवी लिक्विड्स, बहुत हैवी का मतलब हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोनो पंप या स्क्रू पंप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें ग्रिटी जो किटरे लिक्विड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है, या सल्वीज जिनकी विस्कोसिटी बहुत हाई है, बहुत गाढ़े हैं, ठीक है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ मोनो पंप या स्क्रू पंप का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब एक ऐसी सल्वी वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, ठीक है, उसे फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट में फीड करने के लिए मोनो पंप या स्क्रू पंप का यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मोस्टली मोनो पंप या स्क्रू पंप का यूज किया जाता है। अब ये कैसा होता है और किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मोनो पंप बहुत ही सिंपल पंप है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्टार्टर होता है और उसके अंदर रोटर होता है। रोटर एक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है और स्टार्टर के अंदर रोटर मूव करता है। जैसे जो अपनी मोटर्स होती हैं उनमें एक स्टार्टर होता है, उसके अंदर एक मोटर होता है, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, पर इसमें स्टार्टर की से इस तरीके से जो हमारा, ठीक है, रोटर है, घूमने वाला है, जो बीच में रॉड की तरह घूम रहा है, ठीक है, स्टार्टर हेलिकल, ठीक है, रॉड होती है, ठीक है, जबकि स्टार्टर क्या होता है, उसके अपोजिट हेलिकल स्टार्टर होता है। मतलब जैसे ये शेप गई है, उसके अपोजिट स्टार्टर की शेप गई है, स्टार्टर चारों ओर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, स्टार्टर और रोटर, ठीक है, मोस्टली रबर के बनाए जाते हैं या इसी की तरीके से सिमिलर मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से समझते हैं, आपने घर में देखा हो, जो अपनी सीमेंट तोड़ने वाली मशीन होती है उसमें, ठीक है, जो क्या कहते हैं, घूमता रहता है, वो स्टार्टर, हाथ से घुमाते हैं तो रॉड घूमती है, वो स्टार्टर, और उसके अंदर क्या होती है, केसिंग होती है, तो इस तरीके से आगे फ्लूइड को बढ़ाती रहती है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करता है। अब स्टार्टर और रोटर के अंदर जो वॉइड्स बन गए, इन वॉइड्स में लिक्विड फिल होता है, ठीक है, तो और इसी के सहारे से जब ये मूव करता है तो लिक्विड इसी के वॉइड से होके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इस पंप का एक सिरा, ठीक है, इनलेट या सम्प से कनेक्टेड रहता है, दूसरा सिरा डिस्चार्ज से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ये इनलेट से मटेरियल को लेके डिस्चार्ज तक पहुंचा देता है। ठीक है, इस पंप का डिस्चार्ज
इसके रोटेशन और जो हमारे क्या कहते हैं स्टार्टर और रोटर के बीच में वॉइड्स है, स्टार्टर और रोटर के बीच में वॉइड्स हैं, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं जो हमारे रोटर में दो पीक जो बेब्स है, इस तरीके से दो पीक्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसके गैप पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा अधिक गैप होगा तो उसमें उतना ही अधिक मटेरियल ट्रैप होगा और आगे बढ़ेगा, और जितनी तेजी से ठीक है वो रॉड या हमारा रोटर मूव करेगा उतनी तेजी से आगे मटेरियल मूव होगा। तो ठीक है, या स्क्रू पंप या मोनो पंप का डिस्चार्ज ठीक है रोटर के रोटेशन और जो रोटर में वॉइड्स बने हुए हैं ठीक है गैप बने इस तरीके समझिए, जो स्क्रू होता है स्क्रू में दो ठीक है चूड़ियों के बीच में गैप होता है ठीक है, उस वॉइड्स की बात की जा रही है। उस वॉइड्स में जितना मटेरियल ट्रैप होगा ठीक है, जितना अधिक मटेरियल ट्रैप होगा उतना ही अधिक डिस्चार्ज होगा। ठीक है, मैं ये बता ही चुका हूँ मोनो पंप या स्क्रू पंप का यूज मोस्टली हाई विस्कस लिक्विड्स को या ग्रिटी लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।